हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर के बारे में फुल डिटेल बताऊंगी। ये है डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर और इसके अंदर की मैं आपको एसेसरीज के बारे में पहले जानकारी देती हूँ। ये होता है डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर और इसके अंदर एसेसरीज में मैं आपको दिखाती हूँ। एक वन होती है हैंड फ्री और वन होती है डेटा केबल और ये होता है इसका मैनुअल। ये देखिए फ्रेंड्स, ये होता है इसका मैनुअल। अब इसको कैसे यूज करते हैं मैं आपको वो बताती हूँ। और इसके अंदर इनबिल्ट मेमोरी नहीं होती, हमें इसमें मेमोरी कार्ड डालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से, ये मेमोरी कार्ड है, हम मेमोरी कार्ड को इस तरीके से इंसर्ट करेंगे। ये मेमोरी कार्ड हमने ऐसे टिक करके ये अंदर इंसर्ट किया। इसके बाद हमने यहाँ पे ये ऑन ऑफ बटन है और ये रिकॉर्ड एंड सेव बटन है। हम ऑन ऑफ वाले बटन को यहाँ से पहले ऑन करेंगे। जैसे ही हमने ऑन किया तो इट मीन्स डिवाइस इज ऑन। देन आफ्टर हमने इसमें ऊपर है रिकॉर्ड और सेव बटन, हम इसमें रिकॉर्ड साइड में बटन को करेंगे तो आप देखेंगे कि अब हमारी जो रिकॉर्डिंग है ये देखिए स्टार्ट हो गई है। डिस्प्ले में हमारी नंबरिंग भी स्टार्ट हो गई है, लाइक 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये हमारी रिकॉर्डिंग अब इसमें स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद हमें रिकॉर्डिंग को सेव करने के लिए क्या करना होगा, ये रिकॉर्ड साइड से जो बटन है ये हमें यहाँ से सेव पे जाना होगा। रिकॉर्ड साइड से जो बटन है ये हमने इसको ये सेव कर दिया, सेव पे कर दिया। ये देखिए, ये सेव्ड लिखा हुआ भी आता है डिस्प्ले में, सेव्ड लिखा हुआ आता है। उसके बाद हम इसका मतलब होता है कि हमारी रिकॉर्डिंग सेव हो गई। आफ्टर दैट हमने जहाँ से ऑन किया था यहाँ से हम इसको ऑफ कर देंगे तो ये हमारी डिवाइस ऑफ हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें डेटा केबल को अटैच करके किसी भी लैपटॉप के साथ इसको कनेक्ट करके अपनी ऑडियो सुन सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।